ये सरकार आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटोरियल शिप और सरमुख्तारशाही की तरफ जा रही है, जिसका अनुभव हमने ये पार्लियामेंट के दौरान किया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की धज्जियां उड़ा दी इन्होंने। जिस तरह से प्रतिपक्ष को बोलने का मौका देना चाहिए, उनकी आवाज सुनाई देनी चाहिए, सिर्फ एक तरफा रवैया रख के, जैसे प्रतिपक्ष है ही नहीं, उसी तरह का रवैया उनका रहा। पर ये इश्यू बहुत ही महत्वपूर्ण था, खास तौर पे न किसान के हित में है ये एग्रीकल्चर बिल जो पास किया है, जो एक्ट बनने जा रहा है, न तो राज्य सरकारों के हित में है, और ना ही जो श्रमिक है, जो गरीब वर्ग है, उसके हक में है, उसके हित में है। क्योंकि फ्रूट प्रोक्योरमेंट, पीडीएस सिस्टम, एमएसपी, सारी चीजें एक साथ कनेक्टेड है। पार्लियामेंट में हमने अपनी आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन ये इश्यू को हम जनता तक, किसान तक और गरीब लोगों तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक्ट से काफी नुकसान किसानों को, गरीब वर्ग को होने वाला है। और उसी लिए कांग्रेस अध्यक्ष और फॉर्मर कांग्रेस अध्यक्ष, उनके निर्देश पे आज की मीटिंग बुलाई गई थी, और जिसमें एक प्रोग्राम चौकआउट किया गया है, सिर्फ राष्ट्रीय स्तर नहीं बल्कि प्रदेश, जिला और ग्रामीण स्तर तक हम जाना चाहते हैं, किसानों को भी जागृति तो है, वो जानते हैं अच्छी तरह से इस इश्यू को, हरियाणा और पंजाब में जिस तरह से एजिटेशन हो रहे हैं, तो हम गांव-गांव जाके किसानों के जो हस्ताक्षर है, उनकी जो सिग्नेचर है, ये लेने की कोशिश करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि लोग जिस तरह से किसान भाई बहन और श्रमिक वर्ग परेशान है, तो ये इश्यू में, क्योंकि उनका इश्यू है, बिल्कुल सहयोग मिलेगा।